तो इसलिए अब 24 में मोदी जी आएंगे और क्या कहेंगे अंधभक्तों से कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, जिसको आप अमृत काल कह रहे हो, कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, कि सत्ता के दांव पेच से रखना नवास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब हम जनता चाय के नाम पर कर रही थी, विकास के नाम पर 14 में किया था और 19 में मोदी जी आके कह दिए, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या, तो हमने भावुकता में दे दिया था, और 24 में आप तो चाय नहीं गर्म करेंगे क्योंकि चाय जहर बनेगी और गरीब जनता को मार देगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 2024 चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, उम्मीद है सत्ता वापसी होगी? राहुल गांधी पर हमले नहीं हो रहे हैं, ये जो है जो घमंडिया है उसका प्रहार, जो हमला कह रहे हो वो घबराहट है, घबरा चुके हैं ये। और 9.5 साल में ये आप हो या देश की जनता हो, इतना घबराया हुआ प्रधानमंत्री तो नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि जो लाल किले से ब्यूरोक्रेसी को बुरा कुर्सी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर, ये तो बौखलाहट ही है और क्या है। रावण का रूप बता दिया गया राहुल गांधी को। एक बात बताइए, लखनऊ में 5 तारीख को विधानसभा के बाहर बैठी एक महिला का रेप हो गया, धरने पे बैठी थी, कौशाम्बी से आई थी, ठीक है? आप वो अगर जनता को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, प्रज्ञा मिश्रा के चैनल पर जाके देख लेगी वो जनता। बताइए तो जब एक विधानसभा के बाहर धरना देती हुई महिला सिर्फ सेफ नहीं है, और आप कहते हो कि महिला सुरक्षा पर आप बहुत महिलाओं पर जो है छात सीना फुलाते हो कि सेफ हैं, मोटा भाई जाकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 12 बजे रात को भी महिलाएं गहने पहनकर घूम सकती हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे महोदय, ये बताइए। 9.5 साल अमृत काल है, ये अमृत काल नहीं अंधभक्ति काल है। इस बार मोदी जी 24 में आएंगे, सुनिए तो, देशभक्ति मैं बता रहा हूँ ना यार, सुनो सुनोगे तो नहीं, ये बात बताइए, जो 24 में 14 में तो चाय बनाई थी हमने और 19 में गर्म कर लिया, और 24 में वही चाय को फिर गर्म करेंगे तो चाय जहर बनेगी और जनता को मारेगी, गरीब जनता भूख से मरेगी। तो इसलिए अब 24 में मोदी जी आएंगे और क्या कहेंगे अंधभक्तों से कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, जिसको आप अमृत काल कह रहे हो, कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे कहेंगे मोदी जी कि सत्ता के दांव पेच से रखना नवास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब हम जनता चाय के नाम पर नहीं भटकना, संभाल कर रखे हैं, भक्त कह रहे हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार जो है चौकीदार फरार, उसके बाद कहते हैं गाय वाला आएगा, चाय से गाय वाला आएगा। देखो कागज पे लिखा शेर बकरी चबा गई, चर्चा चारों शहर में हो गया कि शेर बकरी खा गई, चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई, अब विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, यही तो हम पूछने निकले हैं। आएगी विकास की मम्मी 2024 में, विकास की मम्मी जा रही है, और अंधभक्त शौचालय में बेहोश पाए जाएंगे, लिखना 24 के बाद शौचालय में बेहोश पाए जाएंगे, क्योंकि शौचालय को विकास समझते, विद्यालय से मतलब ही नहीं रहता उनको। अंधभक्तों की बात छोड़िए, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि 2024 में लाल किले पर वही तिरंगा फहराएंगे, लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे तो लाल पीला क्यों हो रहे हैं मोदी जी, ये पूछिए ना, विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं, बताइए संजय सिंह को बताइए, ईडी ने बताया था, संजय सिंह ने खुद आके कॉन्फ्रेंस किया था कि उसने कहा था कि आपका नाम गलती से आ गया, और फिर बाद में संजय सिंह को उठा के डाल दिया जाता है, फिर वही अमानतुल्ला खान को भी डाल दिया जा रहा है, मतलब 12-15 घंटा ईडी की रेड चलती है, ये सब क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं कि मतलब जो गलत करेगा ईडी सीबीआई काम ना करे? अरे तू गलत करेगा तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप ही के लोग के माध्यम से कि मोदी जी ने मन से कहा था, भाइयों बहनों अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और देवेंद्र फडणवीस मन से कहते हैं कि जैसा कहा उन्होंने मैं वैसा बता रहा हूँ कि अजीत दादा पवार जेल में जाएं एंड चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, तो मैं वो पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि अजीत दादा पवार कौन से जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बताएं। तो
तो वॉशिंग मशीन में कम इनकमिंग तो ये तो यही है ना कि भाजपा के पास एक गजब का वॉशिंग मशीन है, इधर से घुसाओ भ्रष्टाचारी, उधर से निकलता है सदाचारी। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो एक पदयात्रा की, राहुल गांधी खुल पाएगी पूरे देश में? मोहब्बत देखिए, तुम जिसका नाम ले रहे हो भाई साहब, ये शादी करते नहीं है, बाढ़ घूमते हैं, तो उनको प्यार का मतलब क्या समझेगा? मोहब्बत कहो तो वो नफरत समझते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री को जनता कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें शांति चाहिए, तो प्रधानमंत्री को लगता है ये लोग क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर होता है, कभी हरियाणा में देखते हैं आप, तो यही सब हो रहा है नफरत। तो क्या गलत कर रहे हैं राहुल गांधी? अगर नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, तो निशिकांत दुबे खड़ा होकर के कहते हैं संसद में कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान भरा हुआ है। तो ये खुद चाइनीज हैं ये लोग, और दूसरों को कहते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब लद्दाख में सेना जो गलवान घाटी में जब 20 जवान शहीद होते हैं, तो प्रधानमंत्री उसी दरमियान पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियों से चंदा लेते हैं। अगर क्यों लेते हैं ये भी तो पूछना चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी जी, और उसके बाद आके टीवी पर कह देते हैं ना कोई घुसा था ना कोई आया था। बताइए, राहुल गांधी जी अब मिल रहे हैं लोगों से, कहीं मंडी में जा रहे हैं, कहीं पुलियों से मिल रहे हैं, कहीं ऑटो वालों से, जब जरूर मिलना चाहिए। इससे पहले क्यों नहीं मिले? किससे पहले क्यों नहीं मिले थे यार? आप किस फिर आप बोलते हो, आप लोग पत्रकार कैसे बनते हो? मैं पूछ देता हूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो, आप भी बेहोश पड़े रहते हैं। ये बताइए पत्रकार के गुर्दे में दम नहीं है कि जाके प्रधानमंत्री से सवाल करे? और आप मेरे से बोलते हैं मैं सवालों से डर रहा हूँ? मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ यार? अब मैं एक गरीब जनता हूँ, मैं गरीब जनता, मुझे ही पकड़ के कूट दे रहे हो। गरीब देश की जनता आज मंदिर की घंटा हो गई है, कभी मीडिया बजा रहा है, कभी नेता बजा रहा है, यही तो। मोदी जी किसका विकास कर रहे हैं? अडानी अंबानी का? हमारा तो नहीं है। फर्स्ट सेकंड पे देश के सबसे सारे ब्रिज अडानी को दे रहे हैं बना के, एयरपोर्ट भी बना के अडानी को दे रहे हैं। बंद तो देश में रहे कि अफगानिस्तान में? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं ना। एक काम कीजिए, ये दिल्ली से लखनऊ एक बार यात्रा कीजिए, आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल नहीं भरना होगा ना, उतना टोल टैक्स देना पड़ता है। हाँ, नहीं देना पड़ता? अरे इतना था क्या टोल टैक्स? इतना नहीं था, ठीक है ना? अरे चिकना रास्ता, अगर आपने दावा कर रहे हो कि मैंने रोड बनवाया है चिकना, तो कम से कम तब मैं मानता कि आप उस रोड को जनता के लिए फ्री करते। हाँ, अरे यार, कोई गरीब ज़्यादा बीमार हो जाए, उसे प्राइवेट गाड़ी से कहीं ले जाओ, तो टोल टैक्स भी 2,000-2,500 भर देता है यार, 600 रुपया। जो गरीब का सोचेगा वो जरूर फ्री होगा। आप लोग इतने विरोध में अंधे हो चुके हैं कि हेमा मालिन गेहूं काटने भी जाती है तो हेलीकॉप्टर से, इतने अच्छे जानवर क्या चाहिए आप लोगों को? विरोध में अंधे हो चुके हैं। और एक बाबा थे कि मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या, वो भी गए थे काटने के लिए, याद है क्या? हेलीकॉप्टर से गेहूं काट क्या काट रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। सांसद गेहूं काट रहे हैं हेलीकॉप्टर से, सही बात है। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, नहीं दिख रहा अच्छे दिन। किसान मर रहे हैं बेचारे, 750 किसान इसी दिल्ली में शहीद हो गए मेरे भाई, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। और ज़्यादा दूर मत जाओ, इनसे तो बनी बनाई रेल भी नहीं चल रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस में 280 लोग मारे जाते हैं, उसका आज तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया। और कल एक बिहार में रेल हादसा हो रहा है बक्सर में, बताइए तो क्या हो रहा है? कोई जिम्मेदार ले रहा है क्या? पहले तो जब रेल हादसे होते थे तो रेल मिनिस्टर इस्तीफा देते थे। हरी झंडी क्यों दिखा रहे हैं? गजब की बात कर रहे हो यार, वो हरी झंडी निकाल, खाली गैंगमैन का काम बचा है, अब कंधे पर हथौड़ा लेके खाली टप टप वही बाकी है। देना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है, नैतिकता कहाँ गई तुम्हारी? हाँ, पहले शास्त्री जी ये बताओ, ये बोलते हैं भाई बहनों मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, और मैं गरीब हूँ इसलिए ये इनको हजम नहीं हो रहा है, कौन कहता है? मोदी जी हैं गरीब, कहते हैं गरीब है ना, गरीब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पर वो जो है ना अपने कंधे सर पर किताब रखकर दरिया पार करके स्कूल जाते थे, पर कभी अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। क्या मोदी जी भी दिल्ली में ग्रेजुएशन की है? कौन सी यूनिवर्सिटी में? वही तो रास्ता बता रहे हैं अंधभक्तों को कि पढ़ाई लिखाई मत करो, शौचालय में पड़े रहो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी डिग्री छपवा लेना। अंधभक्त का मतलब होता है, अंधभक्त का मतलब होता है शिक्षा। राहुल गांधी के अंधभक्त लग रहे हैं? मैं किसी नेता का अंधभक्त नहीं हूँ, और जनता को भी कहता हूँ कि किसी नेता का अंधभक्त मत बनो। और एक बात और है, जो अंधभक्त होता है उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ती महंगाई से कोई लेना देना नहीं। चुनाव में सवाल बनता है, हाँ, पांच राज्यों में क्या लग रहा है आपको, वापसी हो रही है कांग्रेस या फिर बदलाव होंगे? नहीं नहीं, देखो अब लगता है कि लोगों को कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया, लेकिन देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है, ये लगने लगा है। मामा जा रहे हैं, अभी अमिताभ जी ने कहा था कि ये घोषणा मशीन है, चार सवाल मालूम है ना किस मुख्यमंत्री को
जो है घोषणा मशीन के नाम से जाना जाता है, देवी और सज्जनों ने बता दिया। हाँ हाँ, तो भैया जब घोषणा मशीन रहेंगे तो लोकप्रिय रहेंगे। कभी वॉशिंग मशीन, कभी घोषणा मशीन, मैं नहीं कह रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी ने कहा, भैया अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। 15 लाख नहीं चाहिए, 15 लाख के चक्कर में मिलेगा? 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। तो 15 लाख आप लीजिए, आपको नहीं चाहिए? नहीं। जब जो मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है तो कह रहे हैं कि मामा ने जो बेहतर कार्य किए हैं, क्या लग रहा है कि मामा ही है या फिर कमलनाथ का कमल खिलेगा क्या? देखिए मामा जी की सारी घोषणाएं ही रह चुकी है, इसकी चर्चा तो केबीसी में भी हो गई, तो जनता को पता चल गया है। और मामा की आप बात कह रहे हो, जो लाडली बहना में 1000 रुपया दे रहे हैं, अब बहन की तो खैर बात कर रहे हैं, अब बहनों ही जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये भी मामा से जनता पूछेगी। तो बहन को भी दे, बहनों ही को दे, तो बहनों ही कुछ अपने बहनों ही क्या कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़ा तल ले, वो भी तो रोजगार दे रहा है। इस बार मामा पकौड़ा तलेंगे, मामा तलेंगे। हाँ, चलिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे 2024 चुनाव के लिए? मैसेज यही है कि इस बार जो है झूठ का जनरेटर बंद करो, जनरेटर बंद करो। हाँ, 2014 से झूठ का जनरेटर स्टार्ट हुआ है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसे इस बार जनता बंद कर देगी। हाँ, बहुत आवाज कर रहा है। 24 में फिर मैंने कहा ना कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया, पर देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। और अंधभक्तों को एक और बात बताता हूँ, किसी भी अंधभक्त के पिताजी को भी पकड़ के लाओ और बोलो कि आस्तीन ऊपर कर और यहाँ चवन्नी का दाग ना मिलेगा, तो जो बोलो मैं हारूंगा, तो जिंदा भी कांग्रेस की वजह से, नहीं तो आज खड़ा नहीं हो पाते, कीड़े मकोड़ों की तरह पोलियोग्रस्त होकर घूम रहे होते और बोलते हो कि 70 साल में क्या हुआ। हाय रे अंधभक्ति, मोदी जी कोरोना में बच गए, सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी जाके कहते हैं कोरोना काल में कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, और जब जनता में आते हैं तो अंधभक्त, चार चार अंधभक्त एक आदमी को पटक के वैक्सीन लगाते हैं। यही तो हुआ था कोरोना में, कोर्ट में जाके कहते हैं मैंडेटरी नहीं। 24 में फिर आएगा कांग्रेस इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई भी हो। देखो अभी देखो शिक्षा की बात करो, अभी मध्य प्रदेश से भी एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है कि अपने मोहल्ले के कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना, पर जो मौजूदा सत्ता में है उसे वोट मत देना, ये वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं देखिएगा तो जनता ये कह रही है। धन्यवाद। क्योंकि जब काजोल कहती है कि हमारे ऊपर काजोल को जानते हैं ना, जब वो कहती है कि मेरे हमारे देश पर जो है अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन जो है रूल कर रहे हैं, तो अंधभक्त उसको दौड़ा लेते हैं और बेचारी वो ट्वीट खुद डिलीट कर देती है। और जब अनएकेडमी का टीचर कहता है करण सेंगवान कि आप अनपढ़ को वोट मत दो, पढ़े लिखे नेता को वोट दो, तो अंधभक्त उसकी भी नौकरी खा जाते हैं। तो अंधभक्तों को पता ही है ना कि मेरा ही नेता अनपढ़ है, तो आप क्या कहूँ बताओ। देश की जो इतनी जनता वोट करती है, आप कहना चाहेंगे? अरे वोट करती है, अनभक्त है वो। ना ना ना, वोट किस लिए कर रही थी? विकास के नाम पर 14 में किया था और 19 में मोदी जी आके कह दिए, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या, तो हमने भावुकता में दे दिया था। और 24 में आप तो चाय नहीं गर्म करेंगे क्योंकि चाय जहर बनेगी और गरीब जनता को मार देगी।